भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान है। राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी पंजीकृत किसानों के उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए। ये बात उन्होंने राजनांदगांव के प्रवास के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर का चला जाना इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक सभी पंजीकृत किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है। उन्होंने कहा कि तारीख या समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जितने भी किसानों ने धान बेचने अपना पंजीयन कराया था उन सभी का धान लिया जाना चाहिए था। कोई समय तय नहीं होना चाहिए। धान खरीदी का टारगेट यदि लक्ष्य है उस टारगेट में जितने भी धान खरीदी के लिए रजिस्टर कराया किसानों ने उनका 100% धान खरीदी करना आवश्यक है। ये टारगेट और ये तारीख से क्या होता है? आज यदि हजारों किसान धान नहीं बेचे तो कहाँ जाएंगे किसान? उनका कर्ज कहाँ से पटेगा? ये सरकार बेजवाबदार है। ना यूरिया मिल रहा है, ना सुपर फास्फेट, ना DAP, किसान भटक। वहीं भाजपा के धन संग्रह अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग निधि से पार्टी का खर्च चलता है जिससे कार्य योजना बनाई जाती है। अभियान जो चलता है भारतीय जनता पार्टी का जन संग्रह और हम लोगों ने जो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग निधि से 500,000 2,000 4,000 लेकर पार्टी का खर्च चलाते हैं और ये कुशाभाऊ ठाकरे ने इस राशि का शुरुआत की थी। आज उसके लिए भी बैठकर नीचे मंडल स्तर में और बूथ स्तर में जाने का कार्य योजना बनाया है ताकि मंडल के गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि मंडल के पास और जिला के पास रहे प्रदेश। राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत मंडल और बूथ स्तर पर कार्य योजना बनाई गई ताकि पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।